Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. In your subject of social studies, we are discussing our chapter number 2, Life in the Northern Mountains. Okay, Uttarakhand ki baat karte hain pehle. Uttarakhand Sanskrit word hai. Agar hum isko translate karenge, उत्तर मतलब होता है नॉर्थ, खंड मतलब होता है लैंड. ठीक है, तो ये जो एरिया है ये भी नॉर्दर्न माउंटेन्स से कवर्ड है. नॉर्दर्न माउंटेन्स के इर्द गिर्द ये एरिया पड़ता है. उत्तराखंड पहले 2000 से पहले पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करती थी. ये 2000 में इसको एक अलग स्टेट बना दिया गया. ठीक है, हिमालयस माउंटेन्स में जो आप ये ब्लैंक जगह देख रहे हो ना, वहीं पे उत्तराखंड पड़ती है. ओके, ये जगह दो माउंटेनस रीजन्स में तकसीम की गई है, डिवाइडेड है. एक साइड, एक माउंटेनस साइड को बोलते हैं घरवाल, जिनको घरवाल हिल्स जहाँ से हैं, और दूसरी साइड से क्या है, कुमाऊँ, जिनको कुमाऊँ हिल्स भी बोलते हैं, वहाँ से वो पहाड़ी है. ठीक, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून. उत्तराखंड से रिवर गंगा, रिवर यमुना ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि वहाँ से शुरू होते हैं, बर्थ उनका वहीं से है, शुरुआत वहीं से है. वो बहते तो बहुत सारे स्टेट से हैं, लेकिन स्टार्ट, शुरू कहाँ से होते हैं, जन्म कहाँ से होता है उनका? उत्तराखंड से. इस स्टेट में भी बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं. तो उत्तराखंड में कौन सा है? मसूरी फेमस हिल स्टेशन है, वहाँ पे नैनीताल दूसरा हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत. इसके अलावा उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा फेमस है पिलग्रिमेज सेंटर्स के लिए. पिलग्रिमेज सेंटर्स, यू नो, पिलग्रिमेज सेंटर्स वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं वर्शिप के लिए, प्रे करने के लिए, जिस गॉड को वो मानते हैं उसको प्रे करने के लिए जाते हैं. ऐसे वहाँ पे फेमस है हरिद्वार टेम्पल, हरिद्वार जाते हैं वहाँ पे लोग प्रे करने के लिए. केदारनाथ टेम्पल वहाँ पे फेमस है, बहुत ही बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बहुत टाइम से हैं वहाँ पे. एंड नेक्स्ट इज बद्रीनाथ टेम्पल वहाँ पे फेमस है. ओके, तो वहाँ पे लोगों का क्या काम है? एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम, या हम फार्मिंग भी बोल सकते हैं उसे. कैटल्स में वो शीप रेयरिंग करते हैं, शीप, गोट्स, भेड़ बकरियाँ पालते हैं. ओके, दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स देयर लाइक राइस, व्हीट, मेज और अलग अलग किस्म के वेजिटेबल्स. वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? मेन वो लॉन्ग कोट्स पहनते हैं, पजामा, और वुमेन शॉर्ट स्लीव कोट पहनती है, जिसको बोलते हैं चंग. हाँ, तो उत्तराखंड किस लिए ज़्यादा फेमस है? वहाँ पे नेशनल पार्क एक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके लिए उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा मशहूर है. ये नेशनल पार्क इंडिया की फर्स्ट नेशनल पार्क है, बहुत टाइम पहले ये बनाई गई थी. नेशनल पार्क आपको पता है क्या होती है? नेशनल पार्क गवर्नमेंट बनाती है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व करने के लिए, या फिर किसी और चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए. ओके, ये फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं. तो ये वाली नेशनल पार्क किस लिए बनाई गई थी? जो बंगाल टाइगर्स थे वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गई थी, यानी कि वो ख़त्म होने वाले थे वो टाइगर्स. ये नेशनल पार्क बनाई गई ताकि वो वहाँ पे सेफ रहे और वहाँ पे शिकार करना अलाउ नहीं था. समझ आया? सेकेंड थिंग जिसके लिए उत्तराखंड बहुत फेमस है वो क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स. ये भी एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे बहुत ही किस्म के फ्लावर्स पाए जाते हैं. सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं, और भी कुछ एनिमल्स वहाँ पे उनको सेफ रखा जाता है, कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स, जैसा कि मैंने बोला, जैसे कि ब्लैक बेयर, स्नो लेपर्ड. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? उत्तराखंड कब स्टेट बनी? 2000 में. इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून. फेमस किस लिए है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए. एंड फेमस हिल स्टेशंस क्या है? मसूरी है, नैनीताल है. सो दिस इज़ इट फॉर द डे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.